हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रागिनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रागिनी किचन डायरी। तो चलिए आज हम देखते हैं फास्टिंग की रेसिपी। फास्टिंग में हम साबूदाना या भगर ऐसे फास्टिंग के पदार्थ यूज करते हैं, तो इसी सामान से आज हम बनाएंगे ढोकला। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक मिक्सर का पॉट लिया है मैंने, उसमें एक कप भगर डालेंगे और आधा कप साबूदाना। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। भगर और साबूदाना मैंने पीस लिया है, अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। अब इसमें एक कप दही लिया है, वो ऐड करेंगे और इसे स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने दही ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर साइड में रख देंगे। 15 मिनट के फर्मेंटेशन के बाद अब हम इसे चेक करेंगे एक बार, अच्छे से फूल गया है। इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, 1 पिंच, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक बर्तन को मैंने वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें बैटर पोर कर देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। मैंने इडली के कुकर में एक ग्लास पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसे हीट कर दिया था, प्री हीट कर दिया था। अब इसे ढक देंगे, 10 मिनट के बाद देखेंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं और पूरी तरह से ये ढोकला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे और बाद में निकालेंगे। ये हो गया हमारा फास्टिंग ढोकला तैयार। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, आप कभी भी जब चाहे तब बना सकते हो, इसे फर्मेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।